ठीक है दर्द क्या पकाओ ये मम्मी कहा मम्मी घूमना आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और सुबह सुबह आने लगी है धूप, अभी तो हमारे यहाँ नहीं आई है और सामने वाले पहाड़ी में आ गई है। और देखते रहो पहाड़ की लाइफ स्टाइल। जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को शेयर एंड लाइक कर देना और मेरे साथ बने रहना। सुबह सुबह का टाइम, हम लोग आ गए हैं बाहर की ओर, सामने वाली पहाड़ी में आ गई है धूप। राधा भी उठ के, राधा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? बढ़िया हो? तो अब चलते हैं काम धाम के आगे की ओर। काम धाम करते हैं थोड़ा बहुत, आज निमंत्रण भी जाना है पितना में और धूप भी आ गई है वहाँ। ये हमारा पुष्प भी उठ गया है, पूछ ले ये। ओए गुड मॉर्निंग, क्या कहो? हाँ नई मॉडल वाला है। को मॉडल हो? ओहो, ये तो सूखी घास खिलाने लग गए भगुली को। खना रहो भगुली भी हरा घास खाते खाते बिछी गया था इसको, तो मम्मी ले आई अब सूखा। नौ क्या लिया रहा था? गेहूं नौ इसको खिला रहे हैं, खा रहा है। धूप आते ही मम्मी बैठ गई बाहर, भगुली को डाल दिया है सूखी घास। और राधा के कल पैरों में दर्द हुआ था तो अभी ठीक है। कैसी तबीयत? अब ठीक है ना? धूप आते ही थोड़ा बहुत शेक लग जाता है तो गर्मी हो जाती है, वरना यहाँ ठंडा बहुत होता है हमारे पहाड़ों में। धूप आती है तो फिर जाके थोड़ा बहुत गर्मी होती है। कैसी अभी तबीयत? अब ठीक है? पैरों में दर्द हल्का है, कल रात में उठ के मालिश की थी इसके पैरों की, तब जाके थोड़ा बहुत ठीक हो। कल पकाओ ये चला गई खुर तड़कन लगा नहीं बाबू ना। फिर रात में? रात में फिर तड़कन लगा तो मैंने लगन लिया, लगन लिया मैं फिर जा लो। फिर जा वीर किला तो तदु मोस का लगा ला था तुम्हें पाल लो पाए फोको में भूल लग गया है। आए भूख लग गयो आपके भाव? यार दिग्गी में लग गया था। फिर नो नो कतु फुगार तो मोस्टल फुटोड़ी गयो। हाँ हाँ तो आए किला फुटोड़ ना धीन चाड़ी तो धीना किला है हमारा धीना तो वे धुए खल जगा दिया तीन बरा धुए आलो। हाँ मम्मी कहा मम्मी thank you.
जो अभी आपने बारात देखी थी वो थी ग्राम पितना में, बारात आई थी अल्मोड़ा से, तो लड़की की बारात थी, हम भी गए थे वहाँ। तो हम आ गए अब घर की ओर, अब चलते हैं घर की ओर। शाम का टाइम और मैंने इस खेत की करनी है सिंचाई, और सिंचाई करनी क्या है मैं कर ही रहा हूँ, थोड़ा सा और रह गया इस साइड में, थोड़ा इस साइड में। और ये देखो इधर हो रखे माल्टे खाने लायक, इनका भी सीजन आ गया है तो हम लोग खाने भी लग गए हैं। राधा ओखल में कूट रही है धान, ये देखिए जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये सिंचाई करने के बाद मैं आ गया घर की ओर, क्योंकि मुझे जाने ऊपर रोड में, वहाँ से लेके आनी है चावल की थैली के आने हैं। और राधा का काम चल रहा है यहाँ पे, देखिए धान कुटाई का मैनुअली, धान हमारे वहाँ पहाड़ों में ऐसे कूटे जाते हैं आज भी, नीचे पत्थर में होल सा होता है, इसे ओखल कहते हैं, और ये उसो होता है लकड़ी का, इसके नीचे से एक लोहे की, लोहे का घुर बना के लगाया जाता है, गोल गोल सा घुर से बना के साम कहते हैं इसे। ये देखो ये है चावल, थोड़ा बहुत मैं भी कूटता हूँ। ये कूटने लग गए हैं तनुज भी, दमगा रहे हैं, शाबाश। उसने बहुत प्रैक्टिस चाहिए। आओ काट अगला। ये हमारा माल्टा का पेड़, तो इसमें से कुछ दाने पता नहीं कौन खा रहा है, चिड़िया खा रही है, चूहे खा रहे हैं, हमने दो तीन दिन से चेक करा, चिड़िया तो खा नहीं रही है पर चूहे ही खा रहे हैं। फिर मम्मी ने बताया कि वो लिया चीड़ के पत्तियां, लिया चीड़ की पत्तियां, सौ बुनी कहते जिसे हमारे वहाँ, तो उसको बांध देते हैं आधे पेड़ पे, चूहा खा रहा है, देखो ऐसा कर दे रहा है अभी तो। ये है ना चीड़ का पेड़, तो इनको तोड़ के ले जाते हैं, इनको हमारे पहाड़ों में सवा बुनी कहते हैं, चीड़ के पलिया तोड़ के। अब चलते हैं सीधे माल्टे के पेड़ के पास। ये देखिए बना दिया मैंने जुगाड़, अब ये यहाँ से जाएगा तो चूहा उसकी आंखों में लगेगा, देखो ऐसा तरीका होता है, हर चीज़ का सलूशन है यहाँ पहाड़ों में। चूहे का, चूहा पेड़ में जा रहा था उसके लिए बात दी हमने चीड़ की पत्तियाँ, तो वो भी नहीं। आज मम्मी पता नहीं क्या कर रही है, मम्मी क्या करने दो, आहा आज तो रुटाव बन रहे हैं मांस के, ये देखो ऐसे अंदर बन डाल के, रुटाव बन रहे हमारे घर में, इनको घी में, घी के साथ खाएंगे फिर। आहा किस किस ने रुटाव खाए हैं बता देना मेरे को, कमेंट में बता देना। ये देखो आज मम्मी रुटाव बना रही है, पर ये गीला थोड़ा ज्यादा हुआ है तो इस धोखा हो जा रहा है। ये देखो इसके अंदर मुसूट, मुसूट है मुसूट, ये देखिए। आज रुटाव बन रहे हमारे यहाँ।